आज हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़े पांच बहुत ही दिलचस्प और सरल किस्से बताना चाहते हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं। पहली सीख है अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व करना। पश्चिमी देशों में 4 साल बिताने के बाद जब वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड से भारत रवाना होने के लिए एक जहाज में बैठे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा कि वो पश्चिमी देशों का आधुनिक वाद छोड़कर वापस उसी देश में लौट रहे हैं जहां पिछड़ेपन के सिवा कुछ नहीं, यानी एक आधुनिक देश को छोड़कर वापस उस देश में जा रहे हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी उनका अपना देश भारत। तब स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को कहा कि यूरोप आने से पहले भारत उनके लिए प्रिय था, लेकिन यूरोप में रहने के बाद भारत उनके लिए पवित्र हो गया है। उस दौर में जब स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों से लौटकर पहली बार भारत की भूमि पर कदम रखा तब वो नीचे पड़ी मिट्टी को अपने शरीर पर लगा रहे थे और यह देखकर लोगों को लगा कि शायद वो पागल हो चुके हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन सच ये था कि वो भारत की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर खुद को पवित्र कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि आधुनिक होने का मतलब और विदेश में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने देश से नफरत करने लगें और उसमें कमियां ढूंढने लगें। देश की मिट्टी आपके लिए हमेशा पवित्र रहेगी। दूसरी सीख है इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में थे तब उनके गेरुआ वस्त्रों का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये व्यक्ति कैसे कपड़े पहनकर यहां घूम रहा है अमेरिका में। और एक दिन जब वो एक सड़क से गुजर रहे थे तो उनके पीछे चल रही एक महिला ने एक व्यक्ति से ये कहा कि तुम्हें इस फकीर बाबा के कपड़े देखने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया और इस बात पर उन्होंने पलटकर इस महिला को जवाब दिया कि उनके देश में लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता होगा, लेकिन वो जिस देश भारत से आते हैं वहां लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से होती है। हालांकि आज अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो यहां भी लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से नहीं होती बल्कि उनके कपड़ों से होती है और उनके कितने बड़े बंगलों में रहते हैं वो उससे होती है, उनके पास कौन सी गाड़ी है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, इससे पहचान होती है। आपने भी देखा होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति की जब पहचान करते हैं तो आप देखते हैं इसने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कितने महंगे कपड़े हैं, ये कितने बड़े घर में रहता है, इसके पास गाड़ियां कौन सी हैं और इसके पास पैसा कितना है। अगर ज्यादा पैसा है तो बड़ा आदमी है और अगर पैसा नहीं है तो छोटा आदमी है। अगर उसने बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो आप उसे बड़ा आदमी समझ लेते हैं। ये नहीं देखते कि उन कपड़ों के पीछे कौन है, उस गाड़ी में जो बैठा है इंसान के तौर पर वो कौन है, उसका चरित्र कैसा है। इसलिए जब भी किसी भी इंसान को आप आंकें तो उसके कपड़े देखकर और उसका पैसा देखकर नहीं, उसके चरित्र को देखकर उसे आंकना चाहिए। तीसरी सीख है धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं है। वर्ष 1891 में जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे उस दौरान उनके पास बैठा एक व्यक्ति धर्म में चमत्कार की शक्ति के बारे में बात कर रहा था, चमत्कार के बारे में बता रहा था, जिस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म विश्वास करना सिखाता है और इसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं, यानी धर्म और चमत्कार अलग अलग हैं और जो लोग अहंकारी होते हैं वही चमत्कार की उम्मीद करते हैं। और यह बात आज भी बहुत प्रासंगिक है। आप खुद सोचिए चमत्कार का मतलब क्या है। आप में से भी ज्यादातर लोग जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, जिसके आप लायक ना हो आपको वो सब मिल जाए, जिसके लिए आपने परिश्रम नहीं किया आपको वो मिल जाए, जिसके लिए आपने प्रयास नहीं किया आपको वो मिल जाए, जिसके आप काबिल नहीं है आपको वो मिल जाए, और वही चमत्कार है। और आप ज्यादातर भगवान से यही मांगते हैं। चमत्कार का मतलब है ऐसी किसी चीज की अपेक्षा करना जिसके लिए वो व्यक्ति काबिल या लायक ही नहीं है और वो चाहता है कि बिना परिश्रम किए उसे वो चीज चमत्कार के रूप में मिल जाए, और इसके लिए लोग अक्सर धर्म का सहारा लेते हैं। चौथी सीख है अनुशासन, जो आज के जमाने में विलुप्त होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और आध्यात्मिक गुरु के रूप में अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप को वेदांत और योग के सिद्धांतों से जोड़ा और वो कई वर्षों तक पश्चिमी देशों में रहे, यूरोप में रहे, लेकिन उन्होंने अपना अनुशासन कभी नहीं खोया। और पांचवी सीख है अपने लिए एक सीमा खींचना। एक बार जब एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा
कि एक विधवा महिला को दोबारा विवाह करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के मामले में क्या सही है और क्या गलत, ये महिलाओं को तय करने देना चाहिए, ना कि पुरुषों को यह तय करना चाहिए। यानी स्वामी विवेकानंद ने यहां अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्पष्ट किया और उन्होंने लोगों को समझाया कि लक्ष्मण रेखा कहां खींचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे सफलता के सही अर्थ को सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हार और जीत को नहीं बल्कि परिश्रम और प्रयास को सफलता मानते थे, और उनका कहना था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। यानी उनके लिए सफल होने का मतलब था पूरा परिश्रम और प्रयास करना। और उनके इन्हीं विचारों से भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि भारत के बहुत सारे युवाओं को आज विवेकानंद के विचार नहीं बल्कि नए वर्जन के वीडियो गेम्स चाहिए। तो वीडियो गेम्स के जमाने में हम आपको विवेकानंद के विचार बता रहे हैं।